अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय मोहसिन नवीद रांझा और ये वाला कलेक्शन आई थिंक लास्ट ईयर का है या मोर देन वन ईयर हो गया। और इस कलेक्शन के हमने सारे सूट स्टिच किए थे सिवाय इसके, हालांकि अनस्टिच मैंने सारे शेयर किए थे एंड दिस इज़ द मोस्ट, बल्कि सारे ही खूबसूरत थे। हमने इसको स्टिच किया है लार्ज साइज़ पे, लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, ये जो है बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। वैसे तो इनका सारा कलेक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस है। अभी रिसेंटली मैंने कई ड्रेसेस अनबॉक्स किए थे और मैंने बताया था कि जो मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ वर्क, जो कि इसके ऊपर फुली हैंड एम्बेलिश्ड है और कलर बहुत ज़बरदस्त है, एम्ब्रॉयडरी के कलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं एंड बहुत नीट है और फॉर्मल बहुत अच्छा है। यानी कि अगर अभी की प्राइस से कंपेयर करें तो इसका आई थिंक ये था कोई 34,000 समथिंग का, तो उस हिसाब से खासा खूबसूरत है। साइज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हमने जो है इसको लार्ज साइज़ बनाया है साइड्स पे, स्लिट्स पर और दामन पर। इसके जो है चटापट्टी जो कि इसके दुपट्टे के कॉन्ट्रास्ट से ली है, चार कलर की चटापट्टी बनी है एंड देन अंदर जो है वो कॉटन सिल्क की लाइनिंग और सेम कलर का की फिनिशिंग उसके बाद इस स्लिट्स के ऊपर और दामन के ऊपर ही बिल्कुल थिन ट्राइंगल लेस लगाई है। उसके बाद गले के ऊपर जो है वही चटापट्टी एंड उसके ऊपर बटन थोड़े से डिस्टेंस पर लगाएं ताकि जो है इसकी चटापट्टी, आई पर्सनली लव इट, स्पेशली जो कलर्स अगर बहुत खूबसूरत हों तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मेरा ये था कि ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल छुप भी ना जाए ना। फिर इसकी स्लीव्स को भी फुली लाइन किया है, लाइनिंग फैब्रिक इसका ऑर्गेन्जा का है, ऑब्वियसली लोग भूल गए होंगे अब। और अच्छा, इसके ऊपर जो है ओरिजिनल पिक्चर में बहुत बड़े बड़े कुछ हैंगिंग डैंगलिंग सी लगाई हुई, बट आई पर्सनली लव इट कि जब ये चटापट्टी हो, स्पेशली अगर कलर्स उसके बहुत अच्छे, तो चटापट्टी के ऊपर अगर हम लगा देते हैंगिंग्स तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो इतनी ज़्यादा नज़र ना आती। बैक पे भी जो है इसके बहुत ज़्यादा करीब बूटियाँ हैं एंड बॉर्डर इसका काफ़ी बड़ा है। बैक पे भी सेम स्लिट्स पर और दामन पर जो है वैसे ही चटापट्टी के ऊपर बहुत थिन ट्राइंगल लेस है, आई होप कि क्लियर नज़र आ रही है। देन इसके बैक के ऊपर ऑलमोस्ट कमर तक जो है ये एम्ब्रॉयडरी है, तो बहुत ज़बरदस्त ड्रेस है। कलर इसका बहुत ही खूबसूरत है, इट्स लाइक डार्क पिंक, और डार्क पिंक है बट इसके ऊपर जो है बड़ा अच्छा लग रहा है ऑर्गेंजा के ऊपर। एंड उसके बाद है इसका ढाका पजामा का फ्लेयर हुआ है, ये वन साइड है यानी इसके अंदर पैनल्स ऐड किए हैं और फिर ढाका पजामा भी थिन ट्राइंगल लेस लगाई है और कॉटन सिल्क की लाइनिंग। तो ढाका पजामा भी जो है सब काफ़ी हैवी है और काफ़ी ज़्यादा आई थिंक नीट तक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसकी। उसके बाद है इसका दुपट्टा इसका वैसे ही बहुत खूबसूरत है, इस तरह का जो है इसका डिज़ाइन है। और फिर हमने दुपट्टे के साइड पे 1 इंच की चटापट्टी लगाई है कि ज़्यादा नज़र आए, और फिर जो है यहाँ पे एक थिन गोल्ड लेस लगाई है। उसके बाद ये चटापट्टी है उसी को ही अंदर की साइड को टर्न करके और तुरपाई हुई है, और फिर इसके कॉर्नर्स पर बीड्स के टसल्स लगाए हैं। तो दुपट्टा जो है चटापट्टी अगर हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर दी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ मुझे लोग कहेंगे कि जी इसके चटापट्टी के अलावा भी ड्रेस के अंदर था। मुझे एक्चुअली से कलर्स बड़े खूबसूरत लग रहे हैं इसलिए, तो कलर्स जो थे चटापट्टी के ओरिजिनल पिक्चर में भी ऐसे ही लगे हुए थे, तो सारे इस एम्ब्रॉयडरी से लेकर एंड दुपट्टा ग्रीन और ये पीठ वाला इस एम्ब्रॉयडरी से एंड देन ड्रेस का सेम कलर। सो दैट्स इट, मुझे तो ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत लगा अनस्टिच पूरा कलेक्शन, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और जो है स्टिच भी ये वाला एक लास्ट रह गया था जिसको हमने अब जाके फाइनली आई थिंक ईयर के बाद स्टिच किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा एंड वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।